जिंदाबाद साथियों, मेरा नाम निर्मल है और बंधुआ मजदूरों पर मैं काम करता हूं देश भर में। और अभी बोलने के लिए कहा गया तो मैं कहूंगा कि सीधा सीधा असंगठित क्षेत्र के जो मजदूर हैं देश भर में, और यहां पर जितने साथी बैठे हैं वो अनुभव में मेरे से कई गुना आगे हैं, उन्होंने बहुत सारा काम किया है। मुझे जो पिछले 10 सालों का जो अनुभव है मेरे काम के साथ में, वो मैं आपको शेयर करूंगा, क्योंकि अलग से तो मैं कुछ नहीं बताऊंगा कि आप सभी लोग इसके बारे में जानते हैं, पर कुछ अलग से सुझाव हो सकते हैं और आप में से भी कुछ सुझाव है तो वो मुझे बताएंगे, तो हम उसको आगे ले जाकर इस काम को ठीक करने का प्रयास करेंगे। साथियों, जहाँ बंधुआ मजदूरी की बात होती है, देश भर में जो एक मजदूर तबका है जो कि मजदूरी करता है और काम करता है, तो सवाल सबसे पहला खड़ा होता है कि मजदूर है कौन। तो देश में मजदूर को दो भागों में जब बांट दिया जाता है, असंगठित और संगठित, और हमारे देश की सरकार केवल ठेका ले लेती है कि जो संगठित क्षेत्र में जो मजदूर आते हैं उनको कैसे हमारे श्रम कानूनों का फायदा पहुंचे, उसके लिए सरकार काम करना शुरू करती है। और हकीकत भी यही है कि देश में जितने मजदूर हैं जो कि संगठित क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उनको अगर कुछ लाभ मिलता है तो श्रम कानूनों का लाभ मिलता है। परंतु जो श्रम कानून बने हैं वो ऐसा कहीं पर भी नहीं लिखा है कि वो संगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए है, वो असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए भी है। परंतु सरकार का जो एक सिस्टम है वो इस प्रकार का सिस्टम है कि जो असंगठित क्षेत्र के मजदूर हैं वो इन श्रम कानूनों से अछूते हैं, उनको उनसे दूर रखा गया है। परंतु यदि हम एकजुट मिलकर प्रयास करें तो कहीं ना कहीं हम उन श्रम कानूनों का असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को पूरा फायदा पहुंचे, उसके लिए सफल हो सकते हैं। अब सवाल आता है कि बंधुआ मजदूरी का, तो देश भर में अगर हम बंधुआ मजदूरी की बात करें, जब मैंने काम करना शुरू किया, जब मैं पढ़ रहा था और पढ़ने के बाद जैसे मैंने काम करना शुरू किया, तो मैंने कई सारे साथियों के साथ विचार विमर्श किया कि मुझे बंधुआ मजदूरी के मुद्दे पे काम करना है। तो बहुत अनुभवशील व्यक्तियों ने भी कहा कि अब तो मुद्दा ही नहीं रहा, इस पे क्या काम करना, कुछ दूसरा मुद्दा देखो तो ठीक रहेगा। तो भी फिर मुझे लगा कि नहीं, कुछ कोशिश करना है। और ये वही निर्मल है जो पहली बार किसी बच्चे को छुड़ाने के लिए गया था तो मैं पूरा कांप गया था और रोने लग गया था। किसी से पूछा, मुझे नहीं पता, मैंने पढ़ा भी नहीं था तरीके से कि छुड़ाने का प्रोसेस क्या होता है, रेस्क्यू करने का प्रोसेस क्या है, नहीं पता था। और मैं रोया पर आंखों में आंसू नहीं लिया, मुझे लगा कि पुलिस वाला मुझे बंद कर देगा, पर अंदर से तो मैं रो पड़ा था कि मैं अब कुछ कर नहीं पा रहा हूं। और जर्नलिस्ट, एक अखबार है जिसका नाम तो क्या लेना, पर जर्नलिस्ट मिले, उन जर्नलिस्ट ने मुझे मिलके डरा के बैठा दिया। क्यों? क्योंकि बंधुआ मजदूर वहीं जर्नलिस्ट के वहीं मैं छुड़वाने के लिए गया था। मुझे तो एकदम से शौक लगा था कि कोई मालिक या नहीं छुड़ाया, क्योंकि वो लोग वहां पर चाय पीते थे और मुझे बंधुआ मजदूरी का कॉन्सेप्ट नहीं था, मुझे तो केवल बाल मजदूरी के बारे में पता था। पर जब वो पढ़ना शुरू किया तो लगा कि देश में बंधुआ मजदूरी एक बहुत बड़ा मुद्दा है और उस पर काम करने की आवश्यकता है। देश में अगर हम बात करें तो 50 करोड़ असंगठित क्षेत्र के मजदूर हैं, जिनमें बहुत सारे हमारे साथियों का मानना है कि उनको जो मजदूरी मिलती है वो पूरी नहीं मिल पाती है या उनको मिनिमम वेज नहीं मिल रहा। मैं कह रहा हूँ, मेरा अपना जो पिछले 10 साल के काम का जो अनुभव है, मैं कहता हूँ कि उनको तो मजदूरी ही नहीं मिलती है, आप उसको मजदूरी कैसे कह सकते हैं। अगर किसी भी मजदूर को अगर कोई मालिक या ठेकेदार या बिचौलिया उसको पेमेंट करता है और वह मजदूरी अगर लिविंग वेज नहीं है, एक फेयर वेज नहीं, एक सम्मानजनक मजदूरी नहीं है, तो उसको आप मजदूरी कैसे कह सकते हैं। इसका एक एग्जाम्पल छोटा सा है कि अगर आपको कहें कि आपने डिनर किया, आपने लंच किया और आपके मुँह में एक बाइट रख दिया जाए तो आप कहेंगे कि मैंने हाँ खाना खा लिया है। इसलिए पूरे देश भर में जो असंगठित क्षेत्र के मजदूर हैं, जो कि सीधे सीधे कहें कि एक वेज हंटर एक शब्द है, कि मजदूरी के लिए दर दर ठोकरे खाते फिर रहे हैं, काम ही नहीं है देश में, और जो मिलता है उसको मजबूरी में करो नहीं तो शाम को पेट में अनाज नहीं जाएगा। जिस मालिक के यहां पर उनको काम करना है वो ऐसी मजबूरी में काम करना है। क्यों? क्योंकि चावल के दाने और गेहूं के दाने नहीं आएंगे तो पेट नहीं भरेगा, और पेट नहीं भरेगा तो वो कल जिंदा नहीं रहेंगे। मालिक भी उसको जो नाम मात्र की मजदूरी देता है वो भी इसलिए देता है कि वो जिंदा रह जाए और मालिक का काम चलता रहे। अगर वो उसको वो नहीं देगा नाम मात्र की मजदूरी, उसका पेट नहीं भरेगा, एक जैसे
गाय और भैंस को चारा डाल दिया जाता है और उसके बदले में दूध ले लिया जाता है, उसी प्रकार इंसानों के साथ, ह्यूमन बीइंग के साथ ये जो अन्याय हो रहा है उसको सीधे और सही सटीक शब्दों में कहें तो हम उसको गुलामी से जोड़ते हुए कहेंगे कि गुलामी की एक प्रथा है। क्योंकि देश में जब 1976 में बॉन्डेड लेबर सिस्टम अबोलिशन एक्ट आया, बंधुआ मजदूरी उन्मूलन अधिनियम आया और सरकार ने घोषणा कर दी कि बॉन्डेड लेबर को इरेडिकेट कर दिया गया है, परंतु साथियों बहुत ही क्लियर है, आप सभी लोग मजदूरों के साथ में काम करते हैं, हर एक ट्रेड के अंदर बंधुआ मजदूर है। देश के अंदर कोई ऐसा ट्रेड नहीं है जो ये कह दे कि वहां पर बंधुआ मजदूरी नहीं है। रही बात कि देश के अंदर सरकार जिस प्रकार मजदूरों के साथ में काम कर रही है, और मैं तो ये कहूंगा कि अब तो संगठित क्षेत्र के मजदूरों को भी सरकार असंगठित क्षेत्र के अंदर धकेलती हुई और संगठित क्षेत्र में बंधुआ मजदूरी के द्वार को खोल रही है। रही बात बाल मजदूरों की, तो उनके कानूनों में भी संशोधन करके बंधुआ मजदूरी के द्वार खोल दिए गए। पूरा का पूरा असंगठित क्षेत्र बंधुआ मजदूरी की आग से झुलस रहा है। हम अलग अलग ट्रेड के मजदूरों के साथ में काम करते हैं, कोई एग्रीकल्चर सेक्टर वर्कर के साथ काम करता है, कोई हमाल वर्कर्स के साथ में काम करता, कोई रेक पिकर्स के साथ काम करते हैं, परंतु हर ट्रेड के अंदर अगर हम बात करें तो किसी को भी किसी का सम्मानजनक मजदूरी नहीं मिल रहा है, और हम तो सीधा सीधा कहें कि मजदूरी ही नहीं मिल रहा है। देश की सरकार अलग अलग तरीकों से हमारे श्रम कानूनों की हत्या करके, श्रम कानूनों में बदलाव करके, सुधार का नाम लेके जिस प्रकार से कानूनों को ख़त्म करती जा रही है, उस प्रकार से बंधुआ मजदूरी का और भी आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। अभी 2017 में यूएन का जो स्लेवरी रिपोर्ट आया उसमें कह दिया गया कि 40 मिलियन लोग जो है वो स्लेव है। उन 40 मिलियन में से 25 मिलियन लोग हैं वो फोर्स लेबर है। अब ये फोर्स लेबर क्यों है? क्योंकि अभी हमारे साथी ने कहा कि सेफ माइग्रेशन होना चाहिए। इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कमैन एक्ट के तहत किसी को लाया जाता है तो हम ये मानेंगे कि वो एक सेफ माइग्रेशन है, परंतु वो एक्ट का कहीं पर भी पालन नहीं है। 0% मजदूरों को अंधेधुन लेके आया जा रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है, और वहां पर बंधुआ मजदूरी का मकर जाल आता है, वहां पर ट्रैफिकिंग होने लग जाता है और न जाने क्या क्या होने लग जाता है। बंधुआ मजदूरी का जो पुराना ट्रेड चलता आ रहा था कि एडवांस दिया और एडवांस को उतारने के लिए कोई काम कर रहा था, उसको हम बंधुआ मजदूर कहते हैं, परंतु अब बंधुआ मजदूरी की बहुत बड़ी एक विस्तृत एक वाइड डेफिनेशन है जिसमें कि हम सीधा सीधा कहते हैं कि अगर किसी को नाम मात्र की मजदूरी दी जा रही है, किससे जबरदस्ती काम लिया जा रहा है, या कोई अपनी मर्जी से तो काम कर रहा है परंतु उसको पूरा न्यूनतम मजदूरी जिसको स्टेट तय करता है, एक राज्य तय करता, वो नहीं मिलती, वो बंधुआ मजदूरी है। तो देश भर में इस प्रकार का प्रॉब्लम हो रहा है, और मैंने भी शुरू कर दिया कि चलो हम शुरू करते हैं, तो एक नेटवर्क सा कुछ साथियों को मिला के नेशनल कैंपेन कमेटी फॉर इरेडिकेशन ऑफ बॉन्डेड लेबर, और छुड़ाना शुरू कर दिया। तो एक मशीन बन गई, आओ छोड़ो, आओ छोड़ो, आओ छोड़ो, एक मशीन बन गई, चलो छूट गए, चलो घर जाओ, चलो चलो घर जाओ। एक मशीन ऐसी मजदूरों की बन गई जो मजदूरी में वापस निकल निकल के वापस आओ, वापस आओ। तो मुझे लगता है एक सर्कल सा बन गया। अब इस सर्कल को कैसे तोड़े? कुछ सोच के तो शुरू किया, आज पिछले 8-10 साल से जो मेहनत किया, एक परिश्रम किया, उसका फल निकल के आया कि कुछ हजारों की तादाद में मजदूर जो फंसे हुए थे वो बाहर निकल के आए। परंतु रास्ता ये कहाँ पर है कि मजदूर आज़ादी को प्राप्त कर ले? छुड़ाना और पुनर्वासित करना तो एक प्रक्रिया है, पर उसको असली आज़ादी तो नहीं मिली, क्योंकि जितना बॉन्डेड लेबर फंसता है, बॉन्डेड लेबर के जाल में फंसता है, वो 80% से ज़्यादा जो है दलित और आदिवासी तबका है। कोई भी ब्राह्मण और राजपूत आके बॉन्डेड लेबर के फेर में नहीं फंसता है, फंसाने वाला वाले 80% से ज़्यादा मालिक तबका ब्राह्मण और राजपूत और इस क्लास का हो सकता है, पर फंसने वाला जो तबका है वो क्या ये कास्ट का एंगल है कि बॉन्डेड लेबर उसी को बनाना है? और क्यों वो गाँव से मजबूर होके पलायन करके और फिर वो बंधुआ मजदूरी में आते हैं और उनको खुद को ही नहीं पता होता है कि वो एक बॉन्डेड लेबर है? तो साथियों हमारा जो लड़ाई है, हम अलग अलग ट्रेड वर्कर्स के साथ में काम कर रहे हैं, क्योंकि सरकार का अभी का जो रुझान और जो तरीका है वो सीधा सीधा पूंजी को किस प्रकार खुला छोड़ रखा है, किस प्रकार कॉरपोरेट सेक्टर के साथ में सरकार मजदूर को अछूता सा करती हुई उसका फेवर कर रही है। मैं अपनी बात को अभी जल्दी से समाप्त करूँगा क्योंकि शायद चिट आ नहीं रही है, ठीक है, नहीं आएगी। तो सरकार कॉरपोरेट सेक्टर को कैसे ले रही है, ये बहुत
खुला सा आप सबके सामने पैगाम और ऐलान है कि हमारा जो ये श्रम जो थोड़ा बहुत भी अभी हमको जो कहते हैं कि पेप्सी कोला और कोका कोला का तो जमाना है और अब ये नारंगी की गोली देके काम चला रहे हैं, तो ये जो थोड़ा भी मिल रहा ना ये भी अब बंद हो जाएगा, क्योंकि ये जो सरकार श्रम के ऊपर जो 4 कोड लेके आई है, वो मजदूरी का नाम का कोड है, इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप का कोड है, चाहे वो सोशल सिक्योरिटी कोड है, और चौथा अभी आने वाला हेल्थ सेफ्टी का कोड है, तो ये कोड के नाम पे इन तमाम कानूनों को ख़त्म करेगी। क्यों? क्योंकि वो तो सीधा सीधा कह रही है कि एडवांस देना ही एक संस्थागत इंस्टीट्यूशनल उसको शुरू कर रहे, एक संस्थागत वो परंपरा को फिर शुरू कर रहे कि एडवांस दो, काम करो और चलो। वो सामाजिक सुरक्षा के नाम पे कह रहे हैं कि सोशल सिक्योरिटी कोड, तो उससे तो और जो थोड़ा कुछ मिल रहा था वो भी खत्म होने जा रहा है। क्यों? क्योंकि इतना बड़ा चीज दे दिया गया जिसको पढ़ने के लिए ना समय है किसी के पास, ना इतना समय है कि हम उसको समझ पाए, ना ग्रास रूट लेवल का व्यक्ति उसको समझ पाता है। सरकार अभी कोड लेके आई है, उसका पहला ड्राफ्ट बन के आ गया है, 1 महीने में जवाब देना है। खाली कंप्यूटर पढ़ने वाले, इंटरनेट पढ़ने वाले को पता है, मुझे तो अभी 4 दिन बाद पता चला कि कोड भी आ गया है, और उस पर जवाब नहीं दिया अगर बना के तो वो पास भी हो जाएगा, और अगर आप दे भी देंगे तो हम लोगों की सुनेगा कौन। रही बात ट्रेड यूनियन की, सेंट्रल ट्रेड यूनियन की, वो कुछ अपना लड़ाई करते हैं, हम भी असंगठित मजदूरों के साथ काम करते तो हमको लगता है कि नहीं सेंट्रल ट्रेड यूनियन है उनके साथ हमको भी लग के करना है। वो थोड़ा बहुत अपना कुछ लड़ाई का आवाज़ अभी 3-4 रोज का जो संसद पार्लियामेंट स्ट्रीट पे देखा तो वो लगा कि हाँ कुछ होने वाला है, पर वो लड़ाई भी होके खत्म हो गई, वो साल में एक बार का कुछ सिस्टम सा बन गया। आज हम इतने असंगठित क्षेत्र के मजदूर हमारे पास हमारे साथ हैं और फिर भी हम वो एक मूवमेंट खड़ा नहीं कर पा रहे। जब तक मजदूरों का आंदोलन खड़ा नहीं होगा हम ऐसे भाषण ही देते रह जाएंगे, हम इस मीटिंग ही कॉल करते रहेंगे, पर वो आंदोलन खड़ा नहीं हो पा रहा है। वो आंदोलन क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि अगर हम अपनी लड़ाई मजदूरी की शुरू करते तो हम सब लोग मिनिमम वेज की बात करते। मजदूरों की लड़ाई का पहला तरीका क्या है कि मिनिमम वेज की बात करो। मिनिमम वेज पे हमारी सरकार हिलना तो दूर है, वो आप आंख खोल के कान तक नहीं खोलेगी, हिलेगी कहां से। तो मिनिमम वेज के मुद्दे पे अगर सरकार के पास जाना है तो मेरा अपना काम का अनुभव, संगठन नेटवर्क के काम का अनुभव ये बोलता है कि अगर हमको सरकार को वेज के मुद्दे पर घेरना है तो हमको उसको गुलामी की प्रथा के साथ जोड़ के बात करना होगा। हमें सरकार को सीधा सीधा कहना पड़ेगा कि ये सीधी सीधी गुलामी है और हम इसका विरोध करते हैं। हम ये कहेंगे कि मजदूरी नहीं मिल रही है, 10,000 दे दो, 15,000 दे दो, 25,000 दे दो, तो हम लोग जैसे जैसे महंगाई बढ़ती है हम खाली महंगाई में मांग करते जाते हैं, और कुछ कुछ सरकार जैसे जैसे समय बढ़ता है ना थोड़ा थोड़ा बड़ा बड़ा के हमें बताती जाती है और हम भी खुश हो जाते हैं कि हाँ मजदूरी तो 2,000-4,000 इस बार तो बढ़ गई, चलो ये बड़ी जीत है। दिल्ली में एक हिस्टोरिकल एक ये कहेंगे कि ऐतिहासिक घोषणा हुई और मजदूरी बढ़ी, पर मैं फिर भी ये कहूंगा कि वो बढ़ी हुई मजदूरी एक सम्मानजनक मजदूरी के दायरे में नहीं आती है, देश भर में नहीं है पर दिल्ली में है, इसलिए हम उसका स्वागत कर सकते हैं। साथियों, हम सबको एक ऐसे संघर्ष की जरूरत है, वो संघर्ष नहीं बन पा रहा है, वही चिंतन का सबसे बड़ा सवाल है कि हम अलग अलग ट्रेड के साथ काम करें, अलग अलग मजदूरों के साथ हमारा काम है, पर हम एक मंच पर आकर जिस मंच के माध्यम से हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं उस एक मंच पर आकर हम आंदोलन क्यों नहीं खड़ा कर पा रहे, मजदूरों का आंदोलन खड़ा क्यों नहीं हो पा रहा है। छोटे छोटे पॉकेट्स में भी अगर हम कहीं लड़ते हैं तो कहीं कुछ मैसेज कन्वे होकर सरकार तक इतनी बड़ी आवाज़ नहीं पहुँच पा रही है। तो सबसे बड़ा यही लड़ाई है कि उधर पूंजीवादी ताकतें पूरी जोर से अपने सारे कोड लेके आ रही है, अपनी पूंजी को कर रही है, कॉरपोरेट सेक्टर पूरा हावी होता जा रहा है, पर हम असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के साथ काम करने वाले सारे मजदूर नेता भी यहाँ पर बैठे हैं, और मैं तो आपके सामने एक छोटा सा अभी काम करना शुरू किया। आप बड़े बड़े आंदोलन आप लोगों ने किए हैं पर आज के समय में हमारे आंदोलन को क्यों सांप सूंघ गया है, हम अपना एक आंदोलन क्यों नहीं लेके आ पा रहे। एक कॉल जब ट्रेड यूनियन मिलकर अगर एक कॉल कर सकती है, उसमें भी देखा है मैंने, मैं भी वहां पर गया था, जब ट्रेड यूनियन ने कॉल किया तो आंगनवाड़ी वर्कर और आशा सहयोगिनी और ये कुछ लोग ट्रेड के इकट्ठे हुए थे वहां पर, ज्यादा तादाद में कोई कंस्ट्रक्शन वर्कर रेक पिकर्स खड़ा होता हुआ मुझे तो नहीं मिला, आपको शायद मिला हुआ होगा। तो हमारे पास में 50 करोड़ लोगों की संख्या, उनके पास तो 50 करोड़ भी नहीं है, तो हम क्यों नहीं एकत्रित हो पा रहे हैं? इसके ऊपर हमारा ध्यान जाना चाहिए। हम क्या हैं, हम क्या काम करते हैं, क्या सोशल सिक्योरिटी, क्या मिनिमम वेज, तो सब आपको पता है, मैं क्या भाषण में आपको समझाऊं, कानून क्या है, आप मेरे से ज़्यादा अंग्रेजी में अच्छा समझ सकते हैं, पर एक नेट हम एकजुट होकर इसको जवाब क्यों नहीं दे पा रहे हैं, रोक क्यों नहीं पा रहे हैं? सरकार तो करे जा रही धड़ल्ले से, हम क्या कर लेंगे, एक मीटिंग करके एक नोट लिख के हम दे रहे हैं, उससे भी नहीं होगा।
तीन प्रकार से बदलाव ला सकते हैं, या तो हम कानून बना के ले आए, तो कानून तो ऑलरेडी बने हुए हैं, तो उससे हमारा बदलाव नहीं आ रहा है। दूसरा बदलाव कि हम कुछ करें, या तो राजनीति में जाके हम कुछ राजनेता बन के, हमारे मजदूर बन के हम लड़ाई कर लें, या फिर हमें अपने मजदूरों की ताकत सड़कों पर दिखानी पड़ेगी। अब इन तीन में से आपको, हम सबको मिल के ये तय करना है कि हम तीनों में से कौन सी स्ट्रैटेजी को यूज़ करते हुए, उपयोग में लाते हुए, हम सरकार के सामने एक बार मजदूरों की असली ताकत को तो दिखाएं। सरकार को तो मतलब जैसे जैसे नई पीढ़ी आती जाती है, पुरानी चीज़ें भूलते जाती है। अगर मुझे कोई पूछे कि बताइए पुराने इतिहास में तुम मजदूर आंदोलन की बात करते हो क्या हुआ, तो शायद मैंने इतना नहीं पढ़ा होगा, मैं आज कल में परसों का बता सकता हूँ। तो ये जो सरकार है इसको भी ज़्यादा पुराने भूल गए, इनको लगा कि अब कोई ज़्यादा कोई बोलने वाला नहीं है, थोड़े थोड़े से लोग आते हैं उनको थोड़ा लाठी डंडे पट के बिठा देते हैं। हम सब एकजुट होकर एक नेशनल कॉल करके अपनी ताकत को कैसे दिखाएं, इस पे अगर हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे तो मुझे लगता है कि हम सरकार के सामने अपनी बात को रख पाएंगे, और मजदूरों का एक नया युग, जो हम चेतनशील युग, जो एक राजनीतिक चेतना, एक सामाजिक चेतना और एक आर्थिक चेतना जो अब हमको पैदा करनी है, तभी हम मजदूरों का युग ला पाएंगे। नहीं तो फिर इन्हीं का चलता रहेगा और हम अपनी डुगडुगटी बजाते रहेंगे। धन्यवाद।